आप जब भी किसी के YouTube चैनल पे विजिट करते हैं और उसके चैनल आर्ट पे जाते हैं, तो उस पे देखते होंगे उस पे उसके सोशल मीडिया के लिंक्स लगे होते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के लिंक्स लगे होते हैं राइट साइड में। तो आप भी चाहते हैं आप अपने चैनल के चैनल आर्ट में अपने सोशल मीडिया का लिंक, तो आप इसी वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो को स्किप करेंगे तो कुछ पॉइंट्स छूट जाएंगे, तो आपका लिंक लगने में दिक्कत होगी, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि आप अपने चैनल आर्ट में सोशल मीडिया के लिंक्स कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र खोलिए और उसमें youtube.com टाइप करके YouTube की ऑफिशियल वेबसाइट खोल लीजिए। उसके बाद आपको अपने इस लोगो पे क्लिक करना है जो कि राइट साइड में है, फिर थर्ड ऑप्शन YouTube स्टूडियो का है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपका YouTube स्टूडियो खुल के सामने आ जाएगा। तो इससे पहले हम दिखा देते हैं कि आपको आप करने क्या वाले हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा चैनल है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम पे, तो मेरे आप इंस्टाग्राम आईडी को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं, और इस फेसबुक के लोगों को क्लिक करेंगे तो आप मेरे फेसबुक आईडी को यहाँ से लॉगिन कर मतलब ओपन करके फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह ट्विटर का भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये तीनों चीज़ आप अपने यूट्यूब अकाउंट में अपने चैनल आर्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, तो यही चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए हम बैक चलते हैं अपने चैनल में। स्टूडियो खोलने के बाद आप यहाँ अपने चैनल का डैशबोर्ड देख सकते हैं, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फो। आपको बेसिक इन्फो पे क्लिक करना है। इसके बाद आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है लिंक्स। यहीं से आप अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर के लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए इंस्टाग्राम का हमारा ऐड है, आप इसे अगर यहाँ से हटाना चाहते हैं तो इसे डिलीट कर देते हैं। देखिए यहाँ ऐड लिंक का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ लिंक टाइटल डालेंगे। अगर आप इंस्टाग्राम का लिंक लगाना चाहते हैं, यहाँ पे आप इंस्टाग्राम टाइप कर देंगे और फिर अपने इंस्टाग्राम आईडी को क्रोम ब्राउज़र में ओपन करेंगे, उसको का लिंक यहाँ से आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसमें आएंगे और उस लिंक को यहाँ URL वाले ऑप्शन में पेस्ट कर देंगे, तो ये आपका यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी लग गया। इसी तरह आप 5 लिंक्स लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको ओपन करेंगे तो आप फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक, फोर्थ लिंक, फिफ्थ लिंक, इस तरह आप 5 लिंक आप लगा सकते हैं सिर्फ। तो हम 2 लिंक लगा के आपको दिखा देते हैं। जैसे सेकंड लिंक करते हैं और यहाँ ऐड पे क्लिक कर देते हैं। इसी तरह आप फेसबुक का, यहाँ फेसबुक टाइप करेंगे और फेसबुक का अपना आईडी खोलेंगे और उसके लिंक को यहाँ पे कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद जितने लिंक्स लगाना चाहते हैं, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम लगाने के बाद ऊपर पब्लिश का ऑप्शन है, इस पर बस आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर नीचे देखिए चेंज पब्लिश हो गया है। अब आप अपने चैनल पे जाएंगे, यहाँ से हम बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद आप YouTube की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, फिर यहाँ अपने लोगो पे क्लिक करेंगे। लोगो पे क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन योर चैनल का है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप अपने बैनर या कवर पेज पे देखेंगे, यहाँ पे इंस्टाग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे भी इंस्टाग्राम है, क्योंकि हमने इंस्टाग्राम का ही वहाँ पे पेस्ट कर दिया था एग्जाम्पल के लिए। आप जैसे ही इंस्टाग्राम के इस पर क्लिक करेंगे, आप अपने ही इंस्टाग्राम आईडी पे चले जाएंगे, और कोई और भी आपके इस पर क्लिक करेगा तो आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के अकाउंट पे डायरेक्ट चला जाएगा। इससे आपके फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ेंगे और बहुत ही इससे फ़ायदा भी होता है। तो इसी तरह आप अपने यहाँ पे लिंक्स लगा सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर का, और आप यहाँ अबाउट पे क्लिक करके देखेंगे तो आपके डिस्क्रिप्शन, चैनल डिस्क्रिप्शन में भी आपका इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक लग चुका है। यहाँ से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट आप अपने उस पर इंस्टाग्राम आईडी या फेसबुक आईडी पे जा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।